हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। सो गाइस वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वाली वीडियो में सारे अपडेट्स बता दूंगा जो भी अपडेट आने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों पिछले कुछ समय में जो भी लाइफ स्टाइल SUVs है उनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। तो उसी को देखते हुए मारुति भी अपनी जिमनी लॉन्च करने वाला है इस सेगमेंट में, जो कि 5 डोर होगी और महिंद्रा थार से काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह ऑफर करेगी। तो उसी को देखते हुए महिंद्रा अपनी थार का 5 डोर वर्जन लॉन्च करेगा। तो दोस्तों अभी जो इसका स्पाई शॉट आया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रेडी टू प्रोडक्शन वर्जन है। रेडी टू प्रोडक्शन वर्जन की टेस्टिंग हो रही है, जैसे पहले स्कॉर्पियो N में लाइट वगैरह चेंज करके टेस्टिंग होती थी उस टाइप की नहीं, मतलब बिल्कुल फिट फिनिश ओके, बिल्कुल मतलब रेडी टू प्रोडक्शन वर्जन की टेस्टिंग हो रही है, जैसा कि आप स्पाई शॉट में देख ही पा रहे होंगे। और भाई जो इसकी 3rd रो है वो काफ़ी क्लियरली दिख रही है इसके स्पाई शॉट्स में। और भाई जो महिंद्रा थार 5 डोर है वो प्रीमियम होने वाली है, जो अभी रेगुलर थार आ रही है उससे काफ़ी प्रीमियम होने वाली है ये वाली। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन चेंजेस की। तो महिंद्रा ज़्यादातर इसको सेम ही रखने वाला है, डिज़ाइन चेंजेस ज़्यादातर कुछ नहीं, हेडलाइट की थोड़ी माइनर ट्विकिंग होगी और या फिर ग्रिल चेंज कर देंगे, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन में चेंज करने जैसा है नहीं, क्योंकि गाड़ी पहले काफ़ी स्टाइलिश लगती है। दोस्तों एक चेंज है जो महिंद्रा थार में किया जा सकता है उसके रियर गेट का, फॉर बेटर यूटिलिटी। और कुछ नए फीचर्स भी मिलने वाले हैं इस गाड़ी को, जैसे कि बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360° कैमरा और क्लाइमेट कंट्रोल। भाई 360° कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी लोग इसको ऑफ रोडिंग भी ले जाएंगे, उसमें कुछ डार्क स्पॉट्स भी बन सकते हैं, तो उसको देखने के लिए 360° कैमरा काफ़ी हेल्पफुल होगा। भाई अब बात कर लेते हैं इसकी चेसिस की, मतलब किस पे बेस होगी। तो ये गाड़ी स्कॉर्पियो N पे ही बेस होगी, तो जो कि इसकी स्टेबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करेगा और इसकी हैंडलिंग को भी काफ़ी इंप्रूव करेगा। स्कॉर्पियो N के काफ़ी रिव्यूज़ देखे भी होंगे, उसमें काफ़ी स्टेबल चल रही गाड़ी, उसी को देखते हुए महिंद्रा इसमें भी वही प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा, क्योंकि रिलायबल भी है, काफ़ी टेस्टिंग होते हुए देखी है उस प्लेटफॉर्म की और स्कॉर्पियो के साथ भी, तो इसमें भी यही प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतर होगा। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शंस की, तो इंजन ऑप्शंस पहले वाले ही मिलने वाले हैं, 2 लीटर पेट्रोल एंड 2.2 लीटर डीजल। हालांकि थोड़ी माइनर ट्विकिंग होगी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 5 डोर है तो कुछ पावर बढ़ा देंगे, बाकी इंजन तो वही रहने वाले हैं। जिस हिसाब से महिंद्रा अभी काम कर रहा है ऐसा लग रहा है कि 5 डोर भी काफ़ी अच्छा धमाका होने वाला है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और बात करें अब इसके पावर टेरेंस की, तो पावर टेरेंस में इसमें पेट्रोल में मैनुअल ऑटोमेटिक 4x4 का ऑप्शन हो गई सारे वेरिएंट्स में, और डीजल में भी 4x4 का सारे 4x4 का ऑप्शन रहेगा सारे वेरिएंट में, और मैनुअल ऑटोमेटिक ये तो रहेगा ही। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लॉन्च की, तो लॉन्च में जैसे 2023 के ऑटो एक्सपो में इसको बताया जाएगा और उसके कुछ ही महीनों बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। और बात करें अब इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इसकी होने वाली है 18 से 20 लाख के बीच में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।